नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वरियर में। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल की आंसर की का लिंक जो है दोबारा से एक्टिव करा दिया गया है। किस तरीके से चेक करना है कंप्लीट इस वीडियो में जानेंगे। मोबाइल में किस तरीके से आप लोग अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। अब देखिए, आप लोगों को मैंने यहाँ रोल नंबर टाइप कर दिया है। अब मैं पासवर्ड फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड फिल करने के बाद आप लोगों को इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसको यहाँ पर क्लोज़ कर देना है। इसके बाद इस तरीके से इंटरफेस खुल के सामने आप लोगों के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों की आंसर की अभी भी शो नहीं हो रही है यहाँ पर वेबसाइट पर, तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों की आंसर की रहेगी वो अभी भी जो है वेबसाइट से ही आप लोगों की डाउनलोड हो रही है। वेबसाइट के थ्रू ही आप लोग अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी लैपटॉप में आप लोगों की आंसर की निकाल कर दे दूँगा। अगर किसी कैंडिडेट्स को अभी आंसर की चाहिए तो आप लोग ऐसे कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना जो है रोल नंबर और अपना जो आप लोग का डेट ऑफ बर्थ होती है वो टाइप कर दीजिए। अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टाइप नहीं करना तो इंस्टाग्राम आईडी दे रखा है मैंने, इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर आप अपनी जो है रोल नंबर टाइप कर दीजिए और अपना जो है अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दीजिए। ये आप लोगों की प्राइवेसी कोई मैटर नहीं होता इन चीज़ों में। आप अपनी रोल नंबर और DOB टाइप कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पर। वहाँ पर मैं आप लोगों को 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आप लोग की आंसर की का। उस लिंक पर जाकर आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं, वरना अभी 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर आप लोग की जो है इस वेबसाइट पर भी आंसर की आनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी यहां पर आंसर की के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। मुझे लग रहा था कि आप लोग की अभी आंसर की आ गई होगी, तो मैंने डायरेक्ट जो है लाइव अपडेट आप लोगों के सामने रखी है कि आप लोग की आंसर की आई है या नहीं आई है। SSC ने दोबारा से जो है वही लिंक एक्टिव किया है और अभी तक जो है इस लिंक पर भी आंसर की देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, लेकिन आंसर की अभी भी यहाँ पर वो लैपटॉप के माध्यम से खुल रही है। आप लोग को वो भी दिखा देता हूं कि लैपटॉप के माध्यम से आंसर की खुल रही है या नहीं खुल रही है। तो यहां पर लैपटॉप के माध्यम से आंसर की ओपन हो रही है, लेकिन आप लोग की आंसर की जो है वेबसाइट से ओपन नहीं हो रही है, यानी मोबाइल ब्राउजर पे आप लोग की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। अब देखिए किस तरीके से वहाँ पर करना है वो आप लोगों को एक बार दोबारा से बता देता हूँ। आप लोगों को लैपटॉप पे जाना है, वहाँ पर आप लोगों को लॉगिन करना है। इसके बाद आप लोगों को Ctrl+U टाइप करना है। इसके बाद आप लोगों को सेकेंड प्रोसेस क्या करना है, पेज को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आप लोगों को वहाँ पर सर्च बॉक्स में जाना है, जिसके लिए आप लोगों को टाइप करना है SSC.DIG आप लोगों को सर्च करना है। आप लोगों को जो भी फाइंड रिजल्ट आए वहाँ पर HTTP से लेकर HTML तक का जो भी लिंक रहेगा उसको कॉपी कर लेना है। उसको नए URL पेज पर जाकर जो है पेस्ट कर देना है। जब आप लोग पेस्ट कर देंगे तो आप लोग की आंसर की जो है वो ओपन हो जाएगी। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर आप लोगों को करना है अपने लैपटॉप ब्राउज़र पर या क्रोम ब्राउज़र पर, आप लोगों के कंप्यूटर वेबसाइट पर, जिससे आप लोग Ctrl+U टाइप कर पाएँ, क्योंकि आप लोग मोबाइल में Ctrl+U टाइप नहीं कर पाते हैं। आप लोग कोई सा भी कीबोर्ड डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप लोग Ctrl+U टाइप नहीं कर पाएंगे किसी भी आप लोग वेब ब्राउज़र के अंदर। इस कारण से आप लोगों को ये सिर्फ आप लोग कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप के अंदर ही देखने को मिलेगा। वहाँ से जाकर अपनी जो है वेब चेक कर लीजिएगा। बाकी अगर किसी को जल्दी आंसर की चाहिए तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर जो है मांग सकते हैं आईडी, टेलीग्राम लिंक पर जाकर भी मांग सकते हैं।